नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तहसील सगड़ी क्षेत्र की में स्थित एंजल बर्ड स्कूल चैनपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इसमें छात्रों ने सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम पेश की। स्कूल के डायरेक्टर प्रशांत कुमार सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद छात्रों ने माँ सरस्वती की पूजा की। कुछ दिन पूर्व विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने ग्रुप सॉन्ग्स मेरी वतन के लोगों प्रस्तुत किया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया। छात्रों द्वारा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, इस विषय पर भी स्पीच भी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर कक्षा 3 और 4 के बच्चों ने वंदे मातरम का सुंदर प्रस्तुतिकरण करते हुए सबका मन मोह लिया। विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत डांस ये गाना छात्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर अनिता चौरसिया ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत से हमने आज़ादी हासिल की थी। इस आज़ादी के लिए हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दिए थे, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। विद्यालय के प्रिंसिपल मौसमी श्रीवास्तव ने कहा कि हमें स्वतंत्रता का मूल समझना चाहिए और राष्ट्र की उन्नति में योगदान देना चाहिए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आज हमारा पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में विद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने प्रतिभाग किया। बच्चों ने डांस गाना और स्पीच के माध्यम से अपनी प्रस्तुति की। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, जिसके बाद से आज हम ये 76 इंडिपेंडेंस डे धूमधाम से मना रहे हैं। विद्यालय भी छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।